गाइस, तो आज हम फिर से आए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए झटपट इसको बना लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सूपी नूडल्स, जिसे आप ग्रेवी नूडल्स भी कह सकते हैं, और ये बहुत ही यम्मी होती है। ट्रस्ट मी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को पूरी फुल तक देखिएगा, आपको देखने में इतना मज़ा आएगा कि आप तुरंत जाके बनाएंगे। इंटरेस्टिंग डिश है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे 5-6 जो है मशरूम्स कट कर लिए हैं। तो हमें मशरूम्स चाहिए। यहाँ पे मेरे पास हाफ कैप्सिकम है, आप बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हाफ कैबेज है, बारीक मैंने काट लिया है। आप चाहे तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, ड्राई रेड चिल्ली फ्लेक्स, और मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर है। मेरे पास यहाँ पे अनियन है, आप चाहे तो ग्रीन अनियंस भी ले सकते हैं, जिसे स्प्रिंग अनियन कहते हैं। और मेरे पास यहाँ पे 2 एग है। जी हाँ, हम मशरूम और एग का कॉम्बिनेशन, गाइस बहुत टेस्टी लगेगा, एक यूनिक सा फ्लेवर आएगा इसमें। आप प्लीज़ मेरे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप बनाइएगा। तो झटपट शुरू कर लेते हैं इस रेसिपी को। हमने यहाँ पे नूडल्स भी ले लिया है, हमने यहाँ पे कॉर्न फ्लोर लिया है, और ऐड टू सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और हमने पानी ले लिया है फॉर ग्रेवी। सो लेट्स स्टार्ट। एक पैन ले लिया है, पैन में अब मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैं ऐड कर रही हूँ नूडल्स को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर पानी ले लिया है, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट। ये मैंने थोड़ा और ऐड कर देना है, 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे, जिससे हमारे नूडल्स खिले खिले बने। मैंने 1 चम्मच के बराबर रिफाइंड ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। हम वेट करेंगे पानी के उबलने तक। तो गाइस आप देख सकते हैं पानी जो है उबल गया है। अब मैं इसमें नूडल्स डाल दूंगी। तो मैंने 2 जने की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इसमें नूडल्स डाले हैं, 2 जने की क्वांटिटी के हिसाब से। ये मैंने नूडल्स इसमें ऐड कर दिए। ऐसा भी प्रोसेस होता है कि अगर आपको नूडल्स उबालना नहीं आता है, काफ़ी लोगों को होता है, मुझे बहुत स्टार्टिंग में नूडल्स उबालना नहीं आता था, मेरा चिपक जाता था, तो मैं अपनी मम्मी से उबलवाती थी। तो अब ऐसा नहीं होता है, इसका एक तरीका ये होता है। ये तो वो है अगर आपको परफेक्टली आ गया है उबालना। तो एक तरीका वो होता है, आप एकदम खोलता हुआ गर्म पानी कर लें, और उसमें सॉल्ट और रिफाइंड ऑयल ऐड कर दें, और उसके बाद नूडल्स को आप उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगो के रख दें। वो अपने आप एकदम परफेक्टली कुक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ स्ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और स्ट्रेन करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लें। लगाने के बाद उसको जो है अच्छे से एक बार टॉस कर ले, जिससे वो आपस में चिपके ना, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं नूडल्स में काफ़ी अच्छे से उबाल आ चुका है, थोड़े से और रह गए, इसमें ऐड कर ही देती हूँ। तो हम इसको एक बार स्टर कर देंगे, जिससे ये फैल जाए। तो ये मैंने एक बार अच्छे से इसे मिला दिया, इसमें नमक, और इसमें ऑलरेडी मैंने ऑयल डाला हुआ है, तो ये अच्छे से बन जाए। गाइस जैसे हम लोग ये ग्रेवी नूडल्स जो बना रहे हैं, सूपी नूडल्स, तो इसमें आप और भी एक तो वेजीज ऐड कर सकते हैं, और अगर आप आपको अगर ये बहुत पसंद आया बनाने के बाद, तो आप सेम वे में आप पास्ता भी बना सकते हैं।
और इसी सेम प्रोसेस को आप नॉन वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेजीज ली है, तो वेजीज तो आप ले ज़रूर, बट उसके साथ आप श्रेडेड चिकन और आप उसमें और प्रॉन्स ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं आज एग ऐड करूँगी इसमें, मैं चिकन ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं एग ऐड करूँगी। तो आप चाहे तो प्रॉन्स और श्रेडेड चिकन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बता दूँगी किस पॉइंट पे आपको ऐड करना होगा। सो ये हम वेट करते हैं थोड़ा और उबल जाए। तो गाइस मैंने नूडल्स को स्ट्रेन कर लिया है और मैंने उसे ठंडे पानी से धो के रख दिया है। ये रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये स्ट्रेन ही हो रहा है, एक सेकेंड। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, ठंडे पानी से ज़रूर धो ले, जिससे थोड़ी बहुत भी अगर इसके बीच में स्टिकीनेस होगी तो वो नहीं रहेगी। अब मैंने पैन हीट होने के लिए ऑलरेडी रख दिया, हम चेक कर लेंगे। रिफाइंड ऑयल ऐड करती हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया और इसमें अब मैं ये जितने भी मैंने वेजीज काटे हैं मैं उसमें डाल दूँगी। तो ये रहा टेस्टी वेजीज। तो मशरूम है मेरे पास, मशरूम गाइस बहुत टेस्टी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, आप ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। तो मैं सबसे पहले कैबेज ऐड कर दिया मैंने, अब कैप्सिकम और ये गया मशरूम। मशरूम में थोड़ा पानी निकलता है तो आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा ज़रूर। तो मैं इसको एक बार अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से आप स्टर करें, मशरूम ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये मशरूम एग सूखी नूडल्स ही है या ग्रेवी नूडल्स, जो आपको सही लगे बोलने में। और इसे अच्छे से आप स्टर कर दीजिए, एकदम अच्छे से टॉस करना है। देखिए मशरूम की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो ठीक है, आप स्किप कर दीजिएगा। आप यहाँ पे कॉर्न ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आप इसमें चिकन श्रेडेड और प्रॉन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से टॉस कर लिया, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ सॉल्ट। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसमें ये गया सॉल्ट। अब मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करती हूँ और इसमें अब जाने वाला है ब्लैक पेपर थोड़ा सा और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स। तो ये गया ब्लैक पेपर, हम बाद में नूडल्स में भी डालेंगे तो अभी हम कम क्वांटिटी में डाल रहे हैं। ये मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून के बराबर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी हाफ टी स्पून के बराबर। तो गाइस इसे अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे, इसे टॉस कर लें आप प्लीज़। ये रहा, बहुत अच्छा कलर आ रहा है इसका और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम इसमें आपको रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखिए, अभी तो मैंने फ़िलहाल हाई पे रखा है। तो स्टार्टिंग में आप इसे जब टॉस करें तो आप इसे हाई पे रखें, तो जैसे मैंने इस पर इसको हाई पे रखा हुआ है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो अब मैं इसमें अनियंस डाल दूँगी, तो मैंने ये इसमें अनियंस डाले हुए हैं, इसमें जूलियन अनियंस कट करी है मैंने और दो हरी मिर्च है। तो ये गया अनियन भी इसमें, अब तो चार चार लग जाएंगे।
आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया। तो आप इसको अच्छे से स्टर कर ले। गाइज, मैंने जो एग लिया था, अब मैं इसी पॉइंट पे वेजीज मेरी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ रहा है इसका, बहुत ही बिल्कुल ऐसे ही सेम वे में आपको बनाना है। तो ये देखिए, और अब मैं इसमें एग ऐड करती हूँ, कर दिया इसमें। सो ये गया एग, और इसे अब अच्छे से आपको मिलाना है इस वेजीज के साथ। आप चाहे तो इसमें से एग स्किप कर दें, नहीं डालना मत डालिए। और ये बन रहा है, अब आप देखिए कितने अच्छे से एग इसमें कोट हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये कितना टेस्टी लग रहा है आप देख सकते हैं। आप देखिए बहुत अच्छे से कोट हो गया है। हम इसे एक दो मिनट और भूनेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे जिससे, और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये एग अच्छे से फ्राई हो जाए पहले, एग वैसे बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फ्राई ऑलरेडी हो चुका है, बट हम फिर भी इसे एक दो मिनट और इसे भून लेंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देते हैं अपने, ये गया नूडल्स, और इसे अच्छे से अब आप मिला दे प्लीज़। इसे मिला देती हूँ, अच्छे से आप इसको स्टर कर दे, अच्छे से मसाले में कोट हो जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कितना खिला खिला नूडल्स बना है, जैसे मैंने आपको उबालने का प्रोसेस बताया, प्लीज़ उसी प्रोसेस से इसको उबाल लीजिएगा। और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें सॉल्ट बाद में भी ऐड करूँगी, तो मैं इसमें एक हाफ चम्मच के बराबर इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ थोड़ा, और चिली फ्लेक्स भी थोड़ा और ऐड कर रही हूँ, हाफ हाफ टीस्पून, और इसे फिर हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे अब अच्छे से मिला लेते हैं, ये मिला लिया, लाले बहुत अच्छा कलर आता है, और चिली फ्लेक से बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा चिली फ्लेक्स, और जैसे मैंने इसमें हरी मिर्च दो डाली है तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। आप इसमें बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, तो जो जो वेजीज आपको मैंने बताया आपका मन हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से इसको टॉस कर दिया है। गाइस, मैंने पे एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसे पानी में घोल लिया है, बहुत अच्छे से, लम्स नहीं होना चाहिए, और इसी पानी को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। यस, अभी जा चुका है इसमें, और हम इसे स्टर करेंगे। तो गाइस ये बन गया है, और हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइन आ रही है, बन गया हमारा ग्रेवी नूडल्स, स्टिकी नूडल्स। तो आइए सर्व करते हैं।